दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है माय स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, यहाँ पर आपको बिहार पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहती है। दोस्तों बिहार में भी अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। बहुत दिनों तक सरकार से मांग की गई थी कर्मचारी संगठनों के द्वारा कि पुरानी पेंशन योजना को सही तरीके से लागू कर दे सरकार, लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने राजस्थान सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है बिहार सरकार को कि आप भी जल्द से जल्द इसे लागू करें। और संघ के नेता गजेंद्र कांत शर्मा ने कहा कि पेंशन के अभाव में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बेहद खराब होती जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का आधार होता है। बिहार सरकार भी राजस्थान सरकार की तरह अपने कर्मचारियों और नियोजित शिक्षकों सहित सभी संविदा कर्मियों के लिए शीघ्र पुरानी पेंशन योजना लागू करे। संविदा कर्मी में वैसे संविदा कर्मी शामिल होंगे जो कि नियमित हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। वहीं इधर शिक्षक संघ के आंदोलन के बीच में डीएमसीएच के नर्सिंग स्टाफ ने भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बैठक की है और इसमें उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि पुरानी पेंशन लेना हमारा हक है। इस बैठक में एनपीएस के हानि व ओपीएस के लाभ के बारे में बताया गया है और ये भी कहा गया कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाएगी तब तक संघर्ष करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बिहार दरभंगा टीम की बैठक हुई और इसमें संगठन को प्रखंड व जिला स्तर पर मजबूत करते हुए पूरे राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने की आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का वाजिब हक है, बिहार सरकार इसे शीघ्र लागू करे क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये पूरी तरह से लागू हो चुका है। झारखंड सरकार भी इस पर प्रक्रिया में है और सचिव आलोक राज ने कहा कि हमारी एकता के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सभी कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन को तीव्र करने का आह्वान किए हैं। पुरानी पेंशन योजना को बिहार में लागू करवाने के लिए शिक्षक व कर्मी जो है संकल्पित है। मीडिया प्रभारी संजीत झा सुमन ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बिहार के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि बिहार सरकार को किसी भी हालत में पुरानी पेंशन योजना को बिहार के कर्मचारियों के हित में लागू करना ही होगा। तो दोस्तों देखना होगा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर और भी क्या क्या अपडेट आती है। बने रहिए माय स्मार्ट यूपी बिहार के साथ, सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट यूपी बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।